Welcome class 8 in today's SSD class. Students, today we have to discuss Civics chapter 9 and the name of the chapter is Law and Social Justice. In this chapter we will discuss about different types of laws. Laws made for workers, laws made for children, laws made for consumers and many other relevant topics. But students, before we start the chapter, some new items are given here in your book. We will discuss about all new items first because they all will help us to understand the whole chapter. So let's start. First item is contravention. Contravention means breach or infringement. कंट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना, मतलब कोई भी तरह के अगर ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आए हों या किसी की भी तरफ से आए हुए हों और जब हम उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, इट कॉल्स कंट्रावेंशन और ब्रीच. सेकंड इज डिसप्लेस. डिसप्लेस मींस पुट आउट ऑफ प्लेस और डिसलॉज. किसी भी चीज़ को एक प्लेस से बाहर करना, हटा देना, उस चीज़ को रिमूव कर देना ही डिसप्लेस कहलाता है. नेक्स्ट enforce means मेक कंपल्सरी. कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल कंपल्सरी कर दी जाए उसको हम enforcement कहते हैं या enforce कहते हैं. लाइक आवर लॉ, अगर हमारे यहाँ पर कोई भी लॉ बना दी जाती है, इट मीन्स इट इज़ वेरी कंपल्सरी थिंग, तो हम यहाँ पर enforce वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी. नेक्स्ट इज़ जस्टिस. जस्टिस मीन्स फेयरनेस. कोई किसी भी तरह की चीज़ें जो कि बिल्कुल फेयर होगी, जस्टिस होगी, इंसाफ या सही चीज़ को हम जस्टिस कहते हैं. नेक्स्ट लॉज. लॉज मीन्स रूल्स. किसी भी तरह के नियम को हम लॉज कहते हैं. नेक्स्ट मॉल फंक्शनिंग. मॉल फंक्शनिंग मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर. किसी भी चीज़ को गलत तरीके से करना, यानी कि अगर रूल में, लॉज में कुछ भी और बताया गया हो और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हों, हम उसे गलत तरीके से कर रहे हों, तो ये मॉल फंक्शनिंग कहलाएगा. नेक्स्ट इज मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज मीन्स होता है प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह के थिंग्स, प्रोडक्ट्स या गुड्स. नेक्स्ट की टर्म इज प्राइवेट इंटरप्राइजेस. इट मीन्स इंडस्ट्री और बिजनेस ओन्ड बाई प्राइवेट पीपल एंड नॉट द गवर्नमेंट. कोई भी तरह के कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू रन कराई जा रही हो, जिसका ओनर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है वो सारी चीज़ें हम प्राइवेट कहते हैं उनको, जो भी किसी इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जा रही हो, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज स्किल्ड. स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी और टास्क. किसी भी एक्टिविटी या किसी भी तरह के टास्क को करने के लिए अगर कोई भी स्किलफुल पर्सन है या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिसे उस चीज़ को कैसे करना है ये बहुत अच्छे से पता हो, ऐसे पर्सन को हम स्किल्ड पर्सन कहते हैं. नेक्स्ट इज सोशल. सोसाइटल और कनेक्टेड विद सोसाइटी. ऐसे पर्सन, ऐसे लोग, ऐसी ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी जो कि सोसाइटी से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करते हो और उनका एक रिलेशन हो सोसाइटी के साथ, ऐसे लोगों को सोशल कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ अनस्किल्ड. इनएक्सपीरियंस्ड और अनट्रेंड इन एनी एक्टिविटी और टास्क. किसी भी तरह के लोग जो कि किसी भी काम करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस उनके पास ना हो, अनट्रेंड हों, ऐसे लोगों को हम अनस्किल्ड कहते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेजेस. वेजेस मीन्स सैलरी. हम किसी भी तरह के वर्क को करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी को करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और उस एक्टिविटी के रिटर्न में हमें जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी पैसे की अर्निंग हम कर रहे हैं, वो वेजेस या सैलरी कहलाती हैं. नाउ कम ऑन द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट और वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर रहती है.
और इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉज बनाती रहती है, उसे इम्प्लीमेंट भी करती रहती है, ताकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल पर्सन के वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके, है ना। कई बार होता है कि सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग एक कुछ वीकर सेक्शन को, कुछ वीकर लोगों को एक्सप्लॉइट करने की, डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं, और इस तरह इस सिचुएशन में हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी रोल प्ले करती है, और बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू डिफरेंट लोगों के ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से हम पाते हैं कि हमारी इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लॉज फॉर वर्कर्स। प्राइवेट इंटरप्राइजेस, जो भी हमारे प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम में से बहुत से लोग हैं सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो कि इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं फॉर अर्निंग, है ना। अब हम सबको पता है कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो भी उसके ओनर्स होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। वो सिर्फ उन्होंने इसलिए इंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशंस या अपने इंस्टीट्यूशंस को नहीं ओपन किया हुआ है कि वो जनता की भलाई कर सके, वेलफेयर कर सके, सोशल वर्क कर सके, बल्कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और अपने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई बार वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स, लेबर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, कि है ना, वहाँ पर कई बार उनके राइट्स को भी छीनने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे कंडीशन में उनकी सिक्योरिटी या उनके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऐसे कंडीशन में उनकी राइट्स को दिलाने और उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की होती है। कई बार प्राइवेट इंटरप्राइजेस बहुत मिनिमम वेजेस पे, बहुत कम सैलरीज पे लोगों को अपॉइंट करते हैं, ताकि वो जो भी बचत कर सके, जो भी सेविंग्स कर सके, वो उनके प्रॉफिट में, उनके अकाउंट में जाए, है ना, जिससे हमारे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में उन वर्कर्स को, के राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट, जहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर वर्क करने वाले लेबर्स, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की को मिनिमम कितने वेजेस या कितनी सैलरी देनी है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अक्टूबर 2018 में हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मंथली मिनिमम वेजेस का एक अमाउंट सेट किया, फिक्स किया, वो था फॉर अनस्किल्ड लेबर्स, इसको तय किया गया 14,000 रुपीज़ मंथली। सेमी स्किल्ड, जो ऐसे लोग जिन्होंने कुछ हद तक स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, ऐसे लोगों के लिए 15,400 रुपीज़ मंथली, एंड फॉर स्किल्ड पीपल्स 16,962। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट वेजेस या सैलरीज हम लोगों के बिल्कुल फिक्स कर देती है, तो कहीं से भी हमारा सैलरी को लेकर प्राइवेट इंटरप्राइजेस हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाती, और इस तरह से हमारा प्रोटेक्शन हो पाता है। इनके अलावा, सैलरीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्कर्स के राइट्स होते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा बहुत सारे दूसरे राइट्स भी हमारी गवर्नमेंट ने वर्कर्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए किया है। जैसे सम सर्टेन मेजर्स सच एज प्रॉपर लाइटनिंग, वो जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होगी, ताकि उन्हें किसी भी तरह से ख़तरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, और प्रॉपर लाइटनिंग की व्यवस्था ना होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम, जहाँ पर मॉनिटर करता रहेगा उनको कोई ना कोई, और उनके वर्क में हेल्प करेगा। साथ में प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स, अगर कुछ भी इस तरह के वर्क्स हो रहे हैं जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हेलमेट की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है, या किसी भी तरह के प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स की ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ पर उन वर्कर्स को अवेलेबल कराया जाएगा फ्रॉम ओनर, एंड टू बी इन प्लेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। और साथ ही साथ पर उन्हें ऐसे प्लेस पर वर्क देना जो कि जिससे उनको एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हों, या वो सेफ और सिक्योर रहते हुए वर्क कर सके। तो ये हमारे राइट्स होते हैं, ये वर्कर्स के राइट्स
होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है ना। अगर ये सारे राइट्स ना हो किसी भी वर्कर के पास, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस केवल अपने फ़ायदे को देखते हुए वो सिर्फ़ अपने प्रॉफिट के लिए ही वर्क कराएगा और किसी भी तरह का की जिम्मेदारी नहीं लेगा वर्कर्स और लेबर्स की। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए इतने सारे लॉज और एक्ट्स टाइम टू टाइम पीरियोडिकली बनाती रहती है और इसे पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा रिवाइज्ड भी किया जाता है, न्यू वे में लाया जाता है, उसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। कई बार कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पर फायर के चांसेस बनते हैं, तो ऐसे टाइम पे फायर फाइटिंग सिस्टम, इनके अलावा एमरजेंसी के लिए अलार्म्स की व्यवस्था करना, एमरजेंसी एग्जिस्ट जहाँ से एमरजेंसी के टाइम पे लोग बाहर निकल सके उस रूम से, उस ऑफिस से या उस प्लेस से, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को की अरेंजमेंट अगर कर दी जाती है तो जो कैजुअलिटीज़ होने के, एक्सीडेंट्स होने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है और वर्कर्स के राइट का प्रोटेक्शन हो जाता है। इनके अलावा वर्कर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वर्कर्स सेम ऑक्यूपेशन के लोग अपने यूनियंस एसोसिएशंस भी फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो किसी एक समुदाय, किसी एक ग्रुप के साथ, उस यूनियन के साथ जुड़ने के साथ साथ आप सेल्फ एक यूनिटी की तरह, एक यूनिट की तरह सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी वर्क कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉज फॉर चिल्ड्रन। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे लॉज और एक्ट्स बनाए हैं। होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। जैसे हमने पुराने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े कि हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस थे, यानी SC, ST, OBC, इनके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता आया है विमेन के साथ, इनके अलावा जो एक ग्रुप होता है जिनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या जिनके साथ भी कुछ तरह के इनजस्टिस होते हैं, वो है चिल्ड्रन, बच्चे। एज़ पर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे इंडिया में ऐसे बच्चे जो कि बिलो 14 ईयर्स हैं, 14 साल से छोटे एज ग्रुप के हैं, वो किसी भी हजार्डस प्लेस में एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन जो 14 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने साथ काम करवाता है, वो पनिशेबल होगा, है ना। उसे किसी भी, वो एक तरह का क्राइम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट भी दे सकती है। इनके अलावा 2016 में हमारे पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट रखी गई और द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में किया गया ये सब कुछ, जहाँ पर बैन कर दिया गया 14 ईयर्स से छोटे बच्चों के किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर। मतलब 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों को हमारे इंडिया के अंदर माना जाता है कि ये उनका एजुकेशन लेने का टाइम पीरियड है, ये उनके वर्क करने का टाइम नहीं है, ये पीरियड उनके एजुकेशन का है, है ना। और कोई भी पर्सन उन्हें एम्प्लॉयड नहीं कर सकता, उन्हें किसी भी तरीके से वर्क नहीं करा सकता, क्योंकि फिर ये चाइल्ड लेबर एक्ट के अगेंस्ट होगा और उसे सज़ा मिल सकती है, ठीक है। और इनके अलावा अगर कहीं पर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बच्चा है जिसके फैमिली में कुछ और इनकम की सोर्सेस नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब करने की, काम करने की, तो हम उन्हें काम पे रख सकते हैं, लेकिन वो छोटे वर्क्स पे रखेंगे, किसी भी हजार्डस प्लेस पे, हजार्डस ऑक्यूपेशन हम उनके साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 6 मंथ की, या फिर कई बार 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक के बीच के टाइम तक के लिए प्रिजन भी हो सकता है, उसे जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। इनके अलावा जो फाइन का रेशियो है, फाइन 20,000 to 50,000 rupees फाइन भी उनको पे करना पड़ सकता है, है ना। तो इस तरीके से चाइल्ड लेबर को रिमूव करने के लिए, चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन कर रोकने के लिए हमारी कंट्री ने डिफरेंट रूल्स और लॉज बनाए हुए हैं ना। तो इस तरीके से हम पाते हैं, सो फार ओनली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव पब्लिश्ड दीज प्लान्स। अभी तक ये जो प्लान्स हैं
ये बहुत ज़्यादा जगहों पर अभी उस तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, है ना। जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उन्हें डोमेस्टिक हेल्प में रख सकते हैं, अपने साथ छोटे वर्क्स करा सकते हैं, घर के कामकाज करा सकते हैं, उनकी नीड को पूरा करने के लिए हम उन्हें एम्प्लॉयड कर सकते हैं, बट नॉट इन एनी हजार्डस प्लेस। ठीक है, तो ये था अबाउट चाइल्ड, अबाउट लॉज फॉर चिल्ड्रेन। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टूडे इन टूडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लॉज फॉर कंज्यूमर्स। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी कंज्यूमर्स हैं, हम सभी लोग किसी न किसी वे में चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो एज अ कंज्यूमर हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, किस तरीके से हम कंज्यूमर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर टॉपिक, दैट इज़ लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके के लॉज हमारे इंडिया में बनाए गए हैं, वो भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।